स्कैम इन गोवा के पार्ट टू में आपका स्वागत है। स्कैम की पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप स्कैम सीरीज के सारे वीडियोस देखना बिल्कुल न भूलें। हाय, आई एम गोवा ब्लॉगर नंदिता, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक हम पहुंचा दें। आज की घटना ओयो रूम्स की। हम लोगों ने ओयो रूम्स बुक किया। होटल का नाम था स्पॉट ऑन स्वामी समर्थ गेस्ट हाउस। यह गेस्ट हाउस अरंबुल बीच के बिल्कुल पास था। हम लोगों ने होटल बुक किया लेकिन पेमेंट नहीं किया था। जब हम लोग होटल पहुंचे तो उसने बोला, सर पेमेंट कर दीजिए। तो मेरे हबी ने बोला कि ब्रदर मैं बाद में कर दूंगा, यहाँ अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उसने बोला कि नहीं, आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। बड़ा अजीब ढंग से बोला, जैसे उसको बोलने के ढंग ही ना। उसने वाईफाई दिया और बोला, सर अकाउंट चेक कर दीजिए। तो मेरे हबी ने ओयो ऐप में जाकर उसको पेमेंट कर दिया। तब तक उस महाशय ने बुकिंग कैंसिल कर दी थी और उसने बोला कि सर पेमेंट नहीं आया है। तो हमारे हबी ने बोला कि मैंने ओयो ऐप से आपको पेमेंट कर दिया है। हबी ने बोला कि आपने बुकिंग क्यों कैंसिल की। तो उसने बोला कि सर ओयो रूम 2-3 महीनों से लोगों को पेमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। रुकिए मैं आपको फिर से बुक कर देता हूँ। उसने फिर से बुकिंग किया क्योंकि हबी ने ओयो ऐप से पेमेंट कर दिया था। लोग अंदर गए तो देखा कि बाथरूम से स्मेल आ रही थी। तो हमने बोला उससे कि यार बाथरूम से स्मेल आ रही है, आप इसको ठीक करवा दो। तो उसने बोला कि हाँ करवा दूंगा। फिर देखा तो बेडशीट से भी स्मेल आ रहा था। तो मैंने बोला कि भाई इसको चेंज करवा दो। तो उसने बोला कि चेंज करवा दूंगा। फिर हम लोग घूमने चले गए और रात में 11 बजे आए तो देखा तो सब उसी तरह था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि भाई जो लड़का ये काम करता है वो आया नहीं, मैं कल करवा दूंगा। फिर हमारे हबी ने ओयो ऐप में कंप्लेन किया लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। कंक्लूजन यही निकलता है कि आप प्रीपेड कभी ना करें, और दूसरी चीज ये है कि आप अपनी बुकिंग कभी भी कैंसिल न करने दें जैसा वो कर रहा था, क्योंकि वो फिर अपनी मनमानी करने लगते हैं बुकिंग कैंसिल करके। प्रीपेड तो आप लोग कर दोगे लेकिन बुकिंग करते समय आपने होटल की जो फोटो देखी है उस तरह आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जब होटल में पहुंचोगे तो आप लोगों को कुछ और ही रूम मिलेगा। गोवा में ये आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए आप लोग जागरूक रहें। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। गोवा में जितने भी स्कैम होते हैं उन सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक शेयर कर दी है, अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे वीडियो में मैं काजू बादाम से रिलेटेड घटना बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।